इनर व्हील क्लब ऑफ गोरखपुर के तत्वाधान में गोरखपुर यूनिवर्सिटी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से शुक्रवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में स्थित संवाद भवन में महिलाओं को जागरूक करने के लिए लीगल राइट्स ऑफ वुमेन एंड अवेयरनेस विषय पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। परिचर्चा के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक नारायण धरदुबे ने महिलाओं से संबंधित कई लीगल राइट्स के बारे में सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष शोभना अग्रवाल सहित सचिव नंदिता सिंह, करुणा मातनहेलिया, प्रोफेसर राजवंत, प्रोफेसर विनोद सिंह, प्रोफेसर मानवेंद्र सिंह, प्रोफेसर कीर्ति पांडे, प्रोफेसर दिव्या रानी सिंह, प्रोफेसर सुषमा पांडे सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर यूनिवर्सिटी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन की सदस्य प्रोफेसर नंदिता सिंह ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों और संरक्षण से जुड़े क्षेत्र और जिसके लिए सोशल अवेयरनेस की भूमिका बहुत ही अहम है, पारिवारिक स्तर से ही शुरू हो, जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन घर से ही शुरू हो सकता है, संभव है, जिससे कि भेदभाव लिंग पारिवारिक कानूनी भेदभाव को भी एक समय के बाद समाप्त किया जा सके। एक जेंडर न्यूट्रल भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने पर है का उल्लेख करना चाहती हूँ। इसे हमारे यहाँ के जो तत्कालीन कांग्रेस थी वो काफी एक्टिव हो चुकी थी और उसने समय समय पे कुछ कानूनों का ऐसा नियमन करना शुरू कर दिया था कि देश की आमो आवाम को उसका लाभ मिल सके। और उसी दौर में 1937 में एक कानून आया, विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट। शायद इसमें कुछ कानून के विद्यार्थी यदि बैठे होंगे तो उन्होंने उसका नाम सुना भी होगा। पहली बार ये कानून बना जिसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात सोची गई और उपबंधित की गई। लेकिन ये जो कानून बना ये सीमित दायरे में बना, इसमें महिलाओं को जीवन हित मिला कि वो लाइफ स्टेट अगर वो जीवित है तो संपत्ति में उनका हित नहीं है। लेकिन तमाम सारे निर्बंधनों के साथ ये कानून लागू हुआ कि जैसे वो संपत्ति को विक्रय नहीं कर सकती थी, वो उसकी एकल और विनिश्चायक रूप से अपने आप को स्वामी नहीं कर सकती थी, एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं थी, ये बहुत सारे निर्बंधन उसमें थे। लेकिन कम से कम इतना बना कि उनका संपत्ति में हित है और यदि कोई उनके जीवन काल में उस संपत्ति का हस्तांतरण करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता था क्योंकि उससे उनके जीवन का जुड़ाव था और ये माना गया था कि जब तक ये जीवित है उस पर उनका अधिकार है, भले वो अधिकार सीमित हो। नवरात्र पर्व के मध्य महिला सशक्तिकरण का एक प्रोग्राम रखा गया है। ये एक संकेत के रूप में भी देखा जा सकता है, जब हम शक्ति की आराधना करते हैं तो महिला सशक्तिकरण से जुड़े पहलुओं पर यथार्थ में कैसे उस पर हम कार्य कर सकें, ये इसलिए हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा है। इसमें गोरखपुर के अधिवक्ता, फेमस अधिवक्ता श्री अशोक नारायण धरदुबे जी का मेन वक्तव्य है, वो महिलाओं के जुड़े कानूनों की जानकारी देंगे, अधिकारों की भी जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि उनका हम उन्मूलन कैसे करें, कैसे छात्राएं चाहे महिलाएं किसी हेल्पलाइन या किसी लीगल एड सेंटर या ऑनलाइन कैसे वो अपनी समस्या का को समाधान कर सकती हैं, जो कि उनके उनसे उनकी सुरक्षा एवं उनके कार्य से जुड़ी हुई हैं। तो इन्हीं सब को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मैं नंदिता सिंह हूँ, मैं विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ और गुआ की सदस्य भी हूँ। गुआ और इनर व्हील क्लब दोनों महिलाओं से संबंधित संगठन हैं, इसी वजह से इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है कि जिससे कि इसको व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा सके, जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसकी जानकारी दी जा सके।